आजकल हमारे देश का किसान बहुत दुखी है। 70 साल से सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को धोखा दिया। कभी कहते थे तुम्हारा लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। कभी कहते थे तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। पिछले 25 साल में बताते हैं 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं देश के अंदर। किसी ने किसानों की सुध नहीं ली। और अब ये जो तीनों बिल आए हैं, ये तीनों बिल एक तरह से किसानों से उनकी खेती छीन के इन 2-4 पूंजीपतियों को सौंप देंगे। तो अब किसान के लिए अस्तित्व का सवाल हो गया कि अब अगर सड़क पे नहीं उतरेगा तो किसान ही नहीं बचेगी, और अगर किसान ही नहीं बचेगी तो बेचारा किसान जाएगा कहाँ, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि इतनी ठंड के अंदर किसान कैसे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं उनका। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए। मुद्दे आज भी बरकरार है, जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हम तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलके किसानों का साथ देना है, अपने अपने इलाके में अहिंसा पूर्वक शांति पूर्वक सबको साथ देना है। और जब भी किसानों का साथ देने जाओ, अपना झंडा डंडा टोपी घर छोड़ के जाना। वहां हमें पूरे गैर राजनीतिक तरीके से एक आम आदमी बन के जाना है, इस देश का एक आम नागरिक बन के जाना है। वहां पे कोई राजनीति नहीं करनी उसके साथ।